अगर आप लोग किसी भी स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे लमसम पैटर्न हो या फिर चाहे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिडक्शन को लेकर मार्केट में एक नई गाइडलाइंस आई है जिसके बारे में हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की रिडक्शन को लेकर मार्केट में ये नई न्यूज क्या आई है, नई गाइडलाइंस क्या है और इस चीज की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज का वीडियो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब से जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे, तब आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जो रिडम्पशन अमाउंट होगा वो आपके फोलियो में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं। देखो, जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, तो काफी बार क्या होता है कि जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट अलग होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तब हमारा बैंक अकाउंट अलग होता है, लेकिन मीनवाइल हम लोग कभी कभार अपने अकाउंट को चेंज कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने के तरीके को चेंज कर देते हैं। काफी बार क्या होता है कि मैंडेट के इश्यू आते हैं या कभी कभार बैंक में बैलेंस नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज होते हैं और इन सारे इश्यूज की वजह से मार्केट में बहुत सारे लोग अपने प्राइमरी वाले अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं और दूसरा अकाउंट ओपन करने के बाद में इस अकाउंट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट या ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लोग अपने बैंक अकाउंट को चेंज करेंगे ब्रोकर के साथ, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के फोलियो में भी आपके बैंक अकाउंट को चेंज करवाना है। अब यूजुअली जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो SIP के थ्रू हो या लमसम हो, इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आपका जो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट होता है वो फोलियो के साथ कनेक्टेड होता है, और फिर चाहे आप कितनी बार भी स्टॉक ब्रोकर के साथ वाला जो डीमैट अकाउंट है वहां पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज कर दो, लेकिन अगर आपने फोलियो में उस डिटेल को चेंज नहीं किया है तो आपके सामने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहली बात आपको ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आपके अकाउंट को चेंज नहीं करना है, और अगर आप लोग उस अकाउंट को चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको फोलियो में भी चेंज करवाना होता है। लेकिन अब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जहां पर आपने डिटेल चेंज की है तो उस वाली डिटेल को चेंज करने के बाद फोलियो में भी वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको आपके म्यूचुअल फंड के फोलियो में आपको बैंक डिटेल्स मैन्युअली अपडेट करवानी पड़ती है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि ये नई गाइडलाइंस क्या होने वाली है। देखो, हाल ही में ना बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये देखा गया था कि उनके फोलियो में बैंक अकाउंट अलग था और उनके डीमैट अकाउंट में, यानी कि स्टॉक ब्रोकर या थर्ड पार्टी के साथ जो अकाउंट है और वहां पर प्राइमरी अकाउंट के नाम पर किसी और नंबर को लिखा गया है। इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक ब्रोकर के साथ डिटेल्स को अपडेट कर देते हैं लेकिन फोलियो में डिटेल्स को अपडेट नहीं करते हैं, और इन स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब आप अपने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तब म्यूचुअल फंड के फोलियो में अलग अकाउंट होने की वजह से और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जहां से की है उस प्लेटफॉर्म पर अलग अकाउंट होने की वजह से यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपके फंड्स के सेक्शन में आपके पैसे ऐड नहीं हो पाते। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ करने वाले हैं उसके पैसे आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। काफी बार आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, काफी बार आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये भी अकाउंट आपका है, वो भी अकाउंट आपका है, और ऐसा करने पर बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट होती थी। लेकिन अब सेबी की नई गाइडलाइंस आ चुकी है, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन का अमाउंट उसी अकाउंट में आएगा जो फोलियो के साथ में लिंक्ड होगा। अब जो अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आपके म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन का अमाउंट आपके फोलियो के बैंक अकाउंट पर ही आएगा। अगर आपको जानना है कि आपके फोलियो में कौन से बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, तो ऐसा करने के लिए आप लोग म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका फोन नंबर और पैन कार्ड का नंबर लिखना है और लॉगिन करना है। इसके बाद आपको हर एक चीज की डिटेल्स यहाँ पर देखने मिलेगी कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर्टिकुलर फोलियो में कौन सा बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। एंड लेट्स से अगर डिटेल्स मैच नहीं करती है आपके करंट वाले अकाउंट से, तो आप लोग यहाँ पर नए वाले अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और पुराने वाले अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जब आप रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालोगे तब ब्रोकर आपके नाम को चेक करेगा, आपके बैंक अकाउंट को चेक करेगा और आपके पैन कार्ड की डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ को चेक करेगा। सेम चीज चेक की जाएगी AMC के थ्रू। असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके फोलियो को चेक करेगी और यहाँ पर फोलियो के बेसिस पर पता लगाएगी कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है जो फोलियो के साथ रजिस्टर्ड है। और ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपके पास से बैंक स्टेटमेंट की डिमांड
फंड भी की जाए। और अगर डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है तो आपके फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती है तो ऐसे केसेस में आपका जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू किया जाता है। और इस तरीके से पेमेंट प्रोसेस को कम्प्लीट होने में 15-20 डेज का टाइम लग सकता है। और अगर आप लोग अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको आपके म्यूचुअल फंड के पोलियो की डिटेल्स और आपको आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म की डिटेल्स सेम रखनी है। बाय द वे, आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में और क्या जानना चाहेंगे, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।